लाइट अगर जलाएंगे तो उसके साथ एसी भी जल जाता है। अच्छा, काफ़ी अच्छा है। अंदर रखने के लिए तेल ही लगाते हैं हम लोग। अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा, मतलब एकदम मन के जैसा। तो वो सर, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एक्चुअली फाइन। वेलकम बैक टू नेक्स्ट जिंदगी। कल बाइक धुलाया हुआ था और आज देखो धूल जम गया है, मतलब ज़्यादा नहीं धुली। रास्ते के सामने घर होने का यही फ़ायदा है। तो आज थोड़ा निकलेंगे, अब इंद्रानी पहुँचती होगी, उसके साथ बाइक पे जाएंगे अपने ही साइड मध्यग्राम साइड। वहाँ पे कुछ वेन्यूज देखेंगे, कुछ एक दो पता नहीं, अब जाने के बाद ही पता चलेगा एक एक जगह पे कितना टाइम जा रहा है, हम लोग ढूंढ भी पा रहे हैं कि नहीं, बिकॉज मैप देख देख के जाना पड़ेगा। सो लेट हर कम, अभी तो बाइक को रेडी करते थोड़ा। मेरे को लगता है कि बहुत दिन से, ये तो 2 महीना हो गया है, बाइक को कहीं निकाला नहीं है वैसे, तो चेन थोड़ा मेरे को लग रहा है कि सूख चुका है, तो इसको लूप कराने थोड़ा जाना। मेरे पास ना वो लूप स्प्रे है नहीं, खरीद लेना पड़ेगा, बहुत ईजी होता, नहीं तो बार बार जाओ। तो आ गई है, हमारे बीच थोड़ा झगड़ा हो गया ड्रेस को लेके, ठंड के मौसम में इसको बस ऐसे ही जाना है। तुम झूठ मत बोलो कैमरे के सामने, ठीक है? मैंने पूछा इसे कि मैं ये पहनूं या ये पहनूं, मुझे पूछ रहा है ये पहनो, फिर मुझे क्या पता कि ये पहनो, मतलब कि मेरे को, मैं अगर पूछूं कि ये टी शर्ट पहनूं, नहीं है तुम्हें पता नहीं, ये टी शर्ट पहनूं या फिर कोई और टी शर्ट पहनूं, मैं ये टी शर्ट, ये बोलेगी ये टी शर्ट लो पहन लिया, इसके ऊपर ये पहना तो मेरी जिम्मेदारी। भैया अभी घर से निकल के मतलब कितना बड़ा पोपट हो गया भाई, बट आई थिंक ये अच्छा ही हुआ, ये हुआ मैं बाइक दिया कि बात नहीं करना तो बात नहीं करना, अभी मेरी तो गलती है नहीं, क्या दिक्कत हुआ है, इसका जो एक्सेलरेटर वायर है, अच्छा भैया निकाल दिया शायद, उसमें से अगर 100 तार है उसमें से 70 तार टूट चुके हैं, तो सिर्फ 30 के वजह से गाड़ी चल रहा था, तो वो अभी भैया लगाएंगे, अब एक्सेलेटर वायर मेरे को ही लाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये बाइक चलेगा। तो मतलब आज का बाइक वाला प्लान कैंसिल, और ये भी मैं खोल लेता हूँ। कुछ कहना है, एनीथिंग वांट टू से? घर में मुझ पे जो चिल्ला है उसका नतीजा है, मैं चिल्ला है इसका नतीजा है कर्मा, मतलब हिट्स बैक, मतलब तुरंत मिल गया तुम्हें कर्मा का फल। मैं क्यों चिल्लाया? सोचा तुम बीमार ना पड़ो। तो मैं जब बोल रही थी कि मुझे ग्लव्स पहनना है, तो तुम क्यों बोले ग्लव्स मत पहनो? क्योंकि ग्लव्स अगर पहनोगी और हाथ में फोन रहेगा और ये रहेगा तो स्लिप हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्रिप नहीं होता है, तो उसमें बीमारी का चिंता नहीं है? नहीं, हाथ में ठंड लग के बीमारी किसी को नहीं, मुझे हाथ और कान में ही लगता है। कान तो बंद है, हाथ में ठंड लग के किसको बीमारी हुआ है मेरे को बताओ, आई केयर फॉर यू राइट, इसीलिए अब बोलो, ये हर लौंडे यही कहते हैं कुछ गलती करने के बाद राइट। यस, ब्रह्मास्त्र हमारा। कभी कभी लगता है कि ब्लॉगिंग करता हूँ इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे झंझटे हैं, तो वही मेरे को लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज क्रिसमस में था, ऑटो में जाना एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आप 2 बंदे हो, हिसाब करके देखना, ऑटो में जाओगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, बाइक में जाओगे तो कम खर्चा आएगा, बट 2 आदमी हो, गाड़ी में जाओगे ज़्यादा खर्चा आएगा, ऑटो में जाओगे कम खर्चा आएगा, सोचा है कभी? ये आग लग गया रे, आँखों के सामने ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो हम लोग जो चल रहे थे उसके बाद यहीं पे बिफोर द बैंक्वेट यहाँ पे हीरो का शोरूम आ गया, तो हम लोग यहीं पे घुस जाएंगे अभी। तभी वहाँ से प्रोडक्ट उठा लिया, बट कहीं पे नाम छिपाया हुआ नहीं है कि एक्सपल्स का है, तो दे वेर 95% श्योर कि एक्सपल्स का है, तो अब घर जाके उस बंदे को दूंगा तो ही पता चलेगा। बाय द वे, वी हैव रीच्ड इंपीरियल बैंक्वेट, दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब बाहर से अच्छा नहीं दिखता है, बट ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ से घुसना है। अलग से गेट भी नहीं बनाया जा सकता। हाँ
तो शायद ये फोर्थ फ्लोर में है और हम लोग अभी जाएंगे। फोटोज और वीडियोस में जितने लोगों का देखा है बहुत सही दिखता है। अब थोड़ा ना जान पहचान में होता है ना, तो मतलब थोड़ा कम सम हो जाता है। हमारा सोर्स फोर्स भी उतना नहीं है। अब जिस जिस जगह पे सोर्स फोर्स है वहाँ पे कुछ बना ही नहीं है। दिस इज द बैंक्वेट। ओके, सो क्या आज क्या प्रोग्राम है क्या? आज नहीं, आज नहीं है। चलो थोड़ा लाइट जला पाओगे आप? अच्छा, यहाँ का सीन ऐसा है कि लाइट अगर जलाएंगे तो उसके साथ एसी भी जल जाता है। यू कैन हियर राइट? ओह यार, काफ़ी दिस लाइट्स अप, काफ़ी खूबसूरत है ये राइट। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मतलब वो एक बार में पसंद होने वाला वाइब ज़्यादा है। बट एक्चुअली लोकेशन भी बहुत सही है। अब इनसे पार्किंग का सीन जानना होगा। अच्छा सिर्फ, अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक ही बैंक्वेट है या फिर मैंने देखा था कि रूफ टॉप भी है आप लोगों का? ओह अच्छा, ये अलग एक बैंक्वेट है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो दोनों का रेट भी अलग होगा? हाँ, दोनों का रेट। तो रेट कौन, आप बता सकते हो या फिर कोई और बताएगा? नहीं, हम बात करा देंगे ना। ठीक है ठीक है, आप पहले दिखा दो फिर। हाँ, पहले देख लीजिए। तो खाने शूट हो रहा है? हाँ, ये यूट्यूब में हमारा प्रोफेशन ही है। अच्छा अच्छा, हाँ यूट्यूब में वीडियोज बनाते हैं। अच्छा, तो इधर पे खाने का, खाने का इधर? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया है। और हाथ दो तो बेडरूम मिलेगा। अच्छा, काफ़ी अच्छा है। अंदर भी एसी है, रूम अच्छा, अंदर भी टॉयलेट है। ठीक है ठीक, जेंट्स वॉशरूम और ये एक और कमरा। यहाँ पे रात 12-1 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, दिक्कत नहीं होता है? ठीक है। आज का बुकिंग है आपको सुबह से लेके कल 7 बजे तक आपका अंदर में रहता है, मतलब 24 घंटा मिल जाता है। हाँ, जैसे आप सुबह से आमदान करेंगे, हाँ वही, तो गेस्ट लोग आएगा दिन से लेके बाहर के लोग तो चले जाएंगे। हाँ, थोड़ा लोग अपना घर कर वही तो भी सकते हैं। ओके, दो रूम में जितने लोग आएगा दो रूम के अंदर। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। ये डेकोरेशन भी मेरे को काफ़ी सही लग रहा है इधर का, मतलब एक्चुअली एम्बियंस अच्छा है। एंड काफ़ी लंबा स्ट्रेच में है ना, तो मतलब यहाँ पे अगर 200-300 लोग भी होंगे ना तो इजीली एकोमोडेट हो पाएगा। एंड वो जहाँ पे गए थे कल, कैसे बताया कि 250 आराम से हो जाएगा? आराम? नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहा था बस कस्टमर लाने के लिए। साइड पे पता नहीं कुछ है शायद अलग से। एंड दिस इज द स्टेज एरिया जहाँ पे बैठते हैं दूल्हा दुल्हन। बहुत ही बेसिक सा सजा हुआ है अभी, बट इसके ऊपर वाले पे अभी जाते हैं। मतलब ऑलरेडी लगाया हुआ है ना लाइट? हाँ, सब जगह लाइट। हाँ, और जब डेकोरेशन होता है पार्टी के दिन में, हाँ ये भी हम सजाते हैं ये वाला। हाँ, बहुत ही अच्छा है। नेट पे देख सकते हैं? नेट पे देखा था, ये देख के ही आए। अच्छा हाँ। लगा इसलिए आए एक बार देखने के लिए। ये और सुंदर लगता है। सजा देते हैं। अच्छा अच्छा, नीचे बैंक्वेट से ज़्यादा गिफ्ट लगता है रूफ टॉप। अब ये रात में खिलता है? हाँ, ये रात में खिलता है, दिन में तो नहीं। बात तो सही है, बात तो सही है। अच्छा, इधर स्टेज बनता है तो क्या इधर बनता है? हाँ, वो जो है ना इधर बनता है। अच्छा, मतलब रूफ टॉप लेगा तो ये भी मिल जाएगा? हाँ, ये भी मिलेगा, ये साथ में आता है। अच्छा, इतना नहीं रहेगा ना तो बैठेगा? वही तो सही है ना ये। हाँ, लोगों को यही ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। अच्छा ही है, मतलब अगर लोग आएंगे तो फोर्थ फ्लोर तक आएंगे, उसके बाद चेंज होगा? अच्छा, ये जो जगह है ना, हाँ जी, वहाँ पर खाने के लिए टेबल लगाते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे बुफे का पोस्टर लगाते हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग बना के देते हैं। हाँ, ये आप लोग का ऑलरेडी जगह बना हुआ है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हल्दी होता है। सेल्फी है, यहाँ बनवाते हैं, नहीं तो वो साइड में बनवाते, सेल्फी स्टैंड बना के देते हैं। अच्छा अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा, मतलब एकदम मन के जैसा। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो पहले कहा ना कि बाहर से शादी वाला वाइब नहीं आता है, लेकिन इन्होंने कहा कि बाहर से भी वो लोग सजावट करते हैं। वो तो ऑब्वियसली करेंगे। और अगर रूफटॉप और बैंक्वेट दोनों लिए तो, और अगर सिर्फ रूफटॉप हुआ तो बाहर से सजावट नहीं करते, उतना ज़्यादा नहीं करते, मतलब जितना पैसा डालोगे ऑब्वियसली। हाँ।
एंड ऑफ दैट थिंग, वो जो प्रीमियम क्लास वाला एक फीलिंग है ना, वो एक फीलिंग आ रही है यहाँ से। रूफटॉप मुझे बहुत पसंद। अब मैं इनको पहले कॉल करके रेट पूछ लिया था, अब रेट मैं कैमरा पे नहीं बताऊंगा, बट ठीक ठाक है, मतलब उतना ज्यादा भी नहीं है कम्पेयर टू जितना दे रहे हैं। जितना मतलब, अच्छा है अंदर उतना भी प्राइस ही नहीं है। हाँ, तो अभी हम लोग जाएंगे अपने घर क्योंकि भूख लग चुका है। और भूख को कंसीडर तो ये कभी करेगा नहीं। नहीं नहीं, भूख जब लगा मेरे को घर जाना ही है, जाना ही है। अभी घर जाएंगे, सीधा बाइक होता तो कितना अच्छा होता, मेरे को धूप में अभी चलना पड़ रहा है, हेलमेट पहन लेते बाइक चलाते हवा भी लगता धूप भी नहीं लगता। तो मैं तो जी घर पहुँच गया हूँ और इसको देखो ये हालत कैसे बैठी हुई है। जो भी पीना पता है क्या, क्यों ऑन कर लेते हो? क्योंकि ये सच्चाई है। तो ये एक्सेलेटर जो केबल है इसको मैं देके आता हूँ अभी ताकि जल्दी हो जाए। आना है दाओ। हीरो के शोरूम पे जब मैं पहले गया था, पहले मतलब अभी जब गया था ये लेने का बात कर रहा था, तो मेरे को बताया कि बाइक अगर नहीं ला रहे हो, सर्विसिंग में नहीं दे रहे हो, तो हम लोग ये बाहर नहीं बेचते हैं। हम बोले कि भाई बाइक कौन चलाएगा, एक्सेलेटर वायर ही नहीं है। फिर वो ये खड़ा अपना बाइक विदाउट एक्सेलेटर वायर। क्या गिर सकता है भाई ना, क्या हुआ? इस दुकान में जाने में मेरे को डर लगता है। हाँ लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे वायर देके आ रहा था, भैया बोल रहे थे कि नहीं नहीं अभी रुक जाओ, मैं बोला कि नहीं मम्मी मेरे को पीट देगी अगर मैं अभी खाना खाने नहीं गया तो। मम्मी का एक्सक्यूज हर जगह काम करते हैं, ऑफिस एनीवेयर लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, अपना धंधा कर रहे हो, किसी को बोल दो मम्मी मेरे को ये बोली है, मेरे को ये करना है, मम्मी है मम्मी मम्मी मॉम रॉक्स। एक समय था जब मम्मी घर से निकलने नहीं देती थी तो फ्रेंड लोगों को मम्मी को मनाना पड़ता था, और एक आज का टाइम आ गया है कि फ्रेंड लोग कहते हैं कि बाहर चलो और मैं कह देती हूँ कि नहीं मम्मी नहीं मानेगी, किसी ने जा नहीं सकती, खुद के जाने की इच्छा नहीं है। मम्मी हर जगह काम आ जाता है। क्या होगा लोग देख लेंगे तो। बाप रे भाई साहब, बाप रे बाप रे। तो बाइक तो लगता है रेडी हो चुका है, पर थोड़ी देर बाद लेंगे क्योंकि इसको स्टेशन में छोड़ देने के बाद ले। ठीक है, ट्रेन हमेशा जाएगा फिर तुम्हारा ट्रेन आएगा, ये रोज का है। तो बाइक रेडी है, ये नया एक्सेलेटर का तार लग चुका है एंड अब इसको आज चलाने के लिए निकाला था, आज तो होगा नहीं और इसमें पेट्रोल भी बहुत कम है, पेट्रोल भी भराना था, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। चेन वगैरह देख लेते हैं, सब कुछ बढ़िया ही लग रहा है, अब चलाने के बाद ही पता चलेगा। बाइक एकदम अभी मक्खन चल रहा है, नो इशूज़, बस थोड़ा आरपीएम कम हो गया था, बाइक बंद हो जा रहा था उसको ज़्यादा कर दिया, बट इसका जो आरपीएम का पोजीशन है ना एक्सपल्स में, वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप ठीक करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज इज अ साइलेंसर, तो जल जा सकता है आपका हाथ ठीक से ध्यान से नहीं करोगे तो। बाकी ऑल गुड। तो देखो भाई अभी टाइम हो रहा है 12:03, देख लिया आपने, रात के 12:03 जब से इंद्रानी गई है लगातार पूरा काम किया हूँ मैं, एक मिनट में उठने का टाइम नहीं मिला है, बस खाने के लिए उठा था और वॉशरूम जाने के लिए उठा था, बट जो भी है एडिटिंग भी ख़त्म नहीं, मतलब ये वाला पार्ट तो डालना है, इसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डाल के कोशिश करूँगी कल तक ब्लॉग आ जाए, अब देखते हैं क्या होता है। अगर आपको यहाँ तक ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ एंड डू लेट नो इन द कॉमेंट्स अगर आपके कुछ भी ख्याल आते हैं अबाउट द वेन्यू, मेरे को तो बहुत सही लगा, कुछ और वेन्यूज़ हैं तो भी बता सकते हो जो बहुत अच्छे हो, दाम भी सही ठीक ठाक हो, वैसा ही बताना आप। अगर नए हो, फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो बन जाओ, सिर्फ एक क्लिक से आप फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, समझ आ रहा है कितना टेक्नोलॉजी आगे चला जा चुका है। सो हिस्सा बन जाओ और देखो हमारा फैमिली कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कैसे कैसे क्या होता है, बहुत मनोरंजन होने वाला है धीरे धीरे। ओके, सो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना मेरे को, इंद्रानी को, दोनों को, एंड टिल द मैं अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी। बाय बाय, थोड़ा और काम करके सोने चले जाएंगे।